बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी में संविदा सफाई कर्मी पिछले 3 दिनों से नगर पंचायत कार्यालय के गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर बैठा है। 3 दिन हो जाने के बाद भी किसी अधिकारी ने उसकी सुध नहीं ली है। वहीं अब मानवाधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा प्रहरी संगठन ने संविदा कर्मी को अपना समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने SDM फरीदपुर को ज्ञापन सौंप कर सुनवाई न होने पर गुरुवार से कार्मिक अनशन की चेतावनी दी है। बता दें कि बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी के नई बस्ती निवासी राधेश्याम ने बताया कि वह नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी में संविदा सफाई कर्मी के पद पर तैनात है। उसका आरोप है कि वह रोजाना ही वार्ड नंबर 3 में सफाई का काम करता है। इसके बावजूद नगर के चेयरमैन ने EO से मिलकर चुनावी रंजिश के चलते उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है और उसका वेतन भी रोक दिया है। राधेश्याम का कहना है कि 2 वर्ष पहले नौकरी से टर्मिनेट किए जाने के बावजूद वह अपना फर्ज निभा रहा है और वार्ड नंबर 3 में कार्यरत है। संविदा कर्मी ने बताया कि पिछले 2 साल से उसे वेतन नहीं मिला है, जिस कारण उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। संविदा कर्मी ने नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि चुनावी रंजिश के चलते इससे पहले भी वर्ष 2010 में प्रदीप अग्रवाल ने चेयरमैन रहते हुए अपने पिछले कार्यकाल में राधेश्याम को संविदात्मक नौकरी से निकलवा दिया था। तब भी राधेश्याम के 4 साल भटकने के बाद कमिश्नर महोदय बरेली के आदेश पर पुनः बहाली हुई थी और अब एक बार फिर जब प्रदीप अग्रवाल चेयरमैन बने तो 2 साल पहले उसे नौकरी से पुनः निकाल दिया। राधेश्याम ने बताया कि उसने नगर पंचायत प्रशासन से लेकर मंडलीय अधिकारियों तक अपनी बहाली को लेकर गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद थक हार कर सोमवार को वह अपनी पत्नी सहित नगर पंचायत कार्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उसका कहना है कि वह तब तक नहीं उठेगा जब तक कि पुनः बहाली नहीं हो जाएगी। वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि नगर पंचायत प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मी का हाल जानने नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी ओर जानकारी पाकर बुधवार को धरना स्थल पर पहुंचे मानवाधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा प्रहरी संगठन के पदाधिकारी संविदा कर्मी के समर्थन में उतर आए। उन्होंने SDM फरीदपुर को ज्ञापन देकर चेताया कि सुनवाई न होने की दशा में संगठन के पदाधिकारी गुरुवार से नगर पंचायत गेट पर कार्मिक अनशन पर बैठ जाएंगे। वहीं SDM फरीदपुर ने बताया कि इस मामले में अभिलेखों की जांच कर जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ड्यूटी करने के बावजूद जनरल जैसे चेयरमैन साहब ने तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। आज हमें 4 दिन हो गए हैं आप भूख से तड़पते हुए, हमारे बच्चे घर पे तड़प रहे हैं, कोई अधिकारी भी नहीं देखने आया, नगर का ना चेयरमैन देखने आया। कब से ड्यूटी नहीं की आपने? ड्यूटी तो करने के बावजूद भी टर्मिनेट कर दिया। यहाँ आते हैं तो पुलिस से पिटवाते हैं, घर पे जाओ तो पुलिस से पिटवाते हैं। वीडियो मैंने भी बना रखी है। क्यों टर्मिनेट किया आपको? टर्मिनेट अब भाई पता नहीं, चेयरमैन कहने से एकदम 8-8-10 में भी चेयरमैन ने और मैडम ने शशि ने अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर दिया कि वो हमारी 2130 तनख्वाह थी उसमें हंसा कर करा कर और सीधी टिकट लगा कर 1500 रुपये दे। जब कहा मैंने कि साहब 2 साल काटते हो गए, तब मैंने कहा मैंने साहब मेरे इतने काटते तो मेरे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, आप क्यों काट रहे हैं पैसा? आपने किसी आला अधिकारी को सूचित किया? सबको सूचित किया, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी, तब मजबूरन होकर मुझे यहाँ बैठने पड़ा। मैंने हर जगह भेजा, हर जगह शिकायत की है, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, ना SDM साहब आए हैं देखने के लिए। और मेरी मांगे जब तक नहीं होगी पूरी होंगी, मेरे अकाउंट में तनख्वाह नहीं पड़ेगी राधे श्याम की, और बहाली नहीं मिलेगी जब तक भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। चाहे फिलहाल क्यों ना हमें त्याग